Hey, what is going on guys? Welcome back to another video. So friends, इस वीडियो में मैं एक और स्पाई गैजेट बनाऊंगा फ्रॉम द मूवी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस से. अब प्रीवियसली मैंने इस मूवी से एक वॉच गैजेट बनाया था जो कि डार्ट्स को शूट कर सकता था. अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके देख लेना, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा. लेकिन फिलहाल पहले इस वीडियो को पूरा देखो. तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको वो सीन पता होगा कि जब एक बार के अंदर हैरी हार्ट कुछ लोगों से फाइट करता है तो उसके पास एक अम्ब्रेला होता है एंड उस सीन में वो उस अम्ब्रेला को एज अ वेपन यूज करता है. आपको याद होगा कि जब उनमें से एक आदमी हैरी पर गन से शूट करता है तब हैरी भी अम्ब्रेला से उस आदमी के सिर पर कुछ मेटल कैप्सूल जैसा शूट करता है जिसकी वजह से वो आदमी नॉकआउट हो जाता है. सच में बहुत ही अमेजिंग अम्ब्रेला गैजेट है वो. उस अम्ब्रेला में और भी दूसरे फीचर्स होते हैं लेकिन फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ उसके शूटिंग फीचर पर फोकस करेंगे. सो इस वीडियो में मैं उस अम्ब्रेला को रियल लाइफ में बनाऊंगा. बेसिकली मैं क्या करूंगा कि एक नॉर्मल अम्ब्रेला को मॉडिफाई करके उसको एक अम्ब्रेला गन में कन्वर्ट कर दूंगा जिससे हम लोग उस अम्ब्रेला से डार्ट्स को शूट कर पाएंगे. और सिर्फ डार्ट्स ही नहीं बल्कि उसके अलावा और भी दूसरी चीजें शूट कर पाएंगे जैसे कि मेटल बॉल्स या फिर कोई और दूसरी मेटल की चीजें एंड ऐसा ही कुछ. ओके, सो अब सबसे पहले शूटिंग मैकेनिज्म बनाना है एंड उसको इस तरह बनाना है कि वो इजीली अम्ब्रेला के अंदर फिट हो जाए. सो पहले मैंने एक पेन लिया है एंड सिर्फ उसके बैरल को और उसके एंड कैप को छोड़ के बाकी के पार्ट्स को निकाल दिया है. उसके बाद मैंने एक स्ट्रॉन्ग रबर बैंड लिया है. अब रबर बैंड बहुत ज्यादा ही बड़ा है इसलिए मैंने उसका एक छोटा पार्ट कट किया है एंड फिर उसको फेविक्विक की हेल्प से बैरल पे स्टिक कर दिया है एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक टेप से उसको टाइटली बैरल से कनेक्ट कर दिया है. उसके बाद उस एंड कैप को भी फेविक्विक की हेल्प से रबर बैंड पे स्टिक कर दिया है एंड फिर मैंने एक किचन का रिंग लिया है एंड उसको उस एंड कैप के पीछे स्टिक कर दिया है. ये रिंग रबर बैंड को पुल करने के लिए यूज होगा एंड मैंने सब पे फेविक्विक का 3 से 4 लेयर अप्लाई किया है ताकि सब कुछ स्ट्रांगली फिक्स हो जाए. उसके बाद मैंने एक स्कीवर लिया है लेकिन ये स्कीवर इस बैरल से कुछ ज्यादा ही बड़ी है इसलिए इसका एक्स्ट्रा पोर्शन कट करके इसको थोड़ा छोटा कर दिया है. अब ये थिकनेस के मामले में भी बहुत पतली है इसलिए मैंने इसके अपर टिप पे इलेक्ट्रिक टेप के मल्टीपल लेयर्स ऐड कर दिए हैं ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाए एंड फिर इसकी पूरी बॉडी पे भी फेविक्विक के मल्टीपल लेयर्स लगा दिए हैं ताकि इसकी बॉडी भी स्ट्रांग हो जाए एंड इजिली ब्रेक ना हो. उसके बाद मैंने उस कीवर को बैरल के अंदर डाल दिया एंड उसके बॉटम टिप को फेविक्विक से उस एंड कैप से स्टिक कर दिया. अब बॉडी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुकी है. अब बारी है ट्रिगर बनाने की. सो ट्रिगर बनाने के लिए मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ली है एंड उसका एक छोटा पीस कट कर लिया है. उसके बाद स्कीवर के भी 4 छोटे पीसेस कट कर लिए हैं एंड उनको इलेक्ट्रिक टेप के मल्टीपल लेयर्स से कवर कर दिया है. उसके बाद जो 2 छोटे पीसेस थे उनको आइसक्रीम स्टिक के पीस पे कुछ इस तरह स्टिक कर दिया है एंड उनके ऊपर भी फेविक्विक के मल्टीपल लेयर्स ऐड कर दिए हैं एंड बाकी के दोनों पीसेस को बैरल के साइड में इस तरह स्टिक कर दिया है एंड फिर बैरल के उसी एरिया में एक होल कर दिया है. उसके बाद मैंने एक छोटा रबर बैंड लिया है एंड फिर उस ट्रिगर पोर्शन को उस रबर बैंड से बैरल पे कनेक्ट कर दिया है उस होल के पास. अब जैसे ही मैं रिंग से बैरल के अंदर वाले स्कीवर को पुल करूंगा तब इस ट्रिगर पे जो छोटा पीस है वो उस होल के अंदर चले जाएगा जिसकी वजह से अब वो अंदर वाला स्कीवर एक ही प्लेस पे फिक्स हो जाएगा एंड फिर जैसे ही इस ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रांग रबर बैंड उस बड़े वाले स्कीवर को फुल फोर्स में बैरल के अंदर पुश करेगा जिसकी वजह से बैरल के अंदर जो कुछ भी होगा वो भी फुल फोर्स में बाहर निकल जाएगा एंड बाहर निकल के अपने टारगेट को बहुत जोर से हिट करेगा. सो शूटिंग मैकेनिज्म बनके रेडी हो चुका है. अब इसको अम्ब्रेला के अंदर लगाना है. सो मैंने एक अम्ब्रेला लिया है एंड उसके टॉप पे फिनियल के साइड एक छोटा होल बना दिया है. अब इस मैकेनिज्म को अम्ब्रेला के अंदर डाल के बैरल के ओपनिंग को उस होल से बाहर निकाल दिया है एंड उस बैरल को फिनियल पे हॉट ग्लू गन से अटैच कर दिया है. उसके बाद मैंने हॉट ग्लू स्टिक का एक छोटा पीस कट किया एंड उसको बैरल और अम्ब्रेला के ट्यूब के बीच में प्लेस करके फेविक्विक से सबको एक साथ स्टिक कर दिया ताकि ये बैरल एक ही प्लेस पे फिक्स हो जाए एंड अम्ब्रेला को ओपन या क्लोज करने के टाइम पे भी ये मूव ना करे. अब ये अम्ब्रेला गन बनके रेडी हो चुकी है. सो अब बारी है एमोस को बनाने की. सो पहले मैंने एक स्कीवर के पॉइंटेड एरिया का पोर्शन कट किया है एंड उसके बाद एक कॉटन बड लिया है एंड उसको बीच में से कट कर लिया. उसके बाद उस कीवर के पोर्शन को उस कॉटन बड में डाल के फेविक्विक से स्टिक कर दिया एंड डार्ट्स बनके रेडी हो गए. अब मेटल के एमओ बनाने के लिए मैं मेटल बॉल्स को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे प्रॉपर साइज के मेटल बॉल्स नहीं मिले जो कि बैरल के अंदर प्रॉपरली फिट हो सके. सो मैं मेटल बॉल्स का यूज नहीं कर सकता लेकिन उसकी जगह मैं इस ड्रिल बिट का यूज करूंगा क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है एंड ये बैरल में फिट भी हो रही है. सो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला गन एंड उसके एमओस दोनों बनके रेडी हो चुके हैं. अब मैं इसको टेस्ट करूं उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक और कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना. सो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं.